हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे OGC के हवाले से और सीलिया टोकन की जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन भी होना शुरू की, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और OGC का जो है फाइनली स्नैपशॉट हो चुका है। अब कोई OGC पॉइंट्स और कोई जो है नेक्स्ट क्राइटेरिया भी इनका नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने जो है मई के मंथ से रेट लगा रखी है कि हम लोग अपना एयर ड्रॉप करने जा रहे हैं। और आज दिसंबर का मंथ आ चुका है, टोटल 7 महीने गुजर चुके हैं और इनका एयर ड्रॉप जो है अभी तक लोडिंग पर ही है। तो आज फाइनली इनका जो है इनका स्नैपशॉट डन हो चुका है। और पहले जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं अपने टेलीग्राम का फ्री चैनल का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आपने मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो पम्प्स का न्यू एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने दिया हुआ है, वो भी आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पे डेली बेसिस पे जो है ना लॉटरी कार्ड टुडे यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा होता हूँ। पायलट USDT में से 346% का प्रॉफिट निकाला एक दिन 2 घंटे के अंदर। ट्रेडिंग सिग्नल जो है यहाँ पर आ रहे होते हैं, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। ARB में से 348% का प्रॉफिट निकाला सिर्फ सिर्फ 2 दिन 13 घंटे के अंदर। और कुछ इस टाइप का जो है रेफरेंस आपको शो होगा, जो कि आप लॉन्ग शॉर्ट करके जो है ना ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 29 नवंबर 28 नवंबर कोर का हम लोगों ने सिग्नल दिया। कुछ इस टाइप से लॉन्ग शॉर्ट करके आप लोग पैसा बना सकते हो। टेक प्रॉफिट 1 पे आप लोगों ने निकल जाना है। टेक प्रॉफिट 2 से लेकर टेक प्रॉफिट 7 तक वो बंदा होल्ड करे जिसके पास फंड ज़्यादा है। और ये लोग कहते हैं कि व्हेन विल आई सी द रिजल्ट वंस योर सब्सक्रिप्शन एंड एक्टिविटी हैव बीन ऑटोमेटिकली वेरीफाइड रिसीव अ चेक मार्क कंफर्मिंग दैट ऑल कंडीशन हैव बीन मेट। मतलब कि जब सारा क्राइटेरिया आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, तो आपको जो है OGC के डैशबोर्ड पे एक वेरीफाइड चेक मार्क आपको शो होगा। या तो वो आपकी प्रोफाइल पर शो होगा, या तो वो आपकी जो है यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे शो होगा। अगर आपको शो ना हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि वॉलेट वाले सेक्शन पर आना है आप लोगों ने, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा क्लेमिंग सून का। याद रहे OGC हमारे को कहता है व्हाट हैपेंस इफ आई डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया फेलियर टू हैव द सब्सक्रिप्शन योर टोकन विल बी बर्न। मतलब कि अगर आप लोगों ने प्रोफाइल से जाके जो है लोगों ने पार्टनर्स रेफर लगाए हुए, तो जो टीम का जो बोनस है वो लॉक रहेगा फिलहाल, और जो आप लोगों ने ग्रैब करे हुए डेली बेसिस पे तो ही उसी का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और पार्टनर्स ऐप से जो आप लोगों ने OGC टोकन बनाए, उसी का जो है आपको दोनों टोकन अनलॉक होंगे। अब लॉक आपका टोकन इसलिए किया गया है कि अगर आप लोग पायबिट की KYC करते हो किसी भी अकाउंट के थ्रू से, तो आपके वो सारे रेफर, मतलब अगर आपके रेफरल्स ने बायबिट पे अकाउंट बनाया हुआ होगा और उस पर KYC करी हुई होगी OGC की, तो ही आपके जो है ना वाले टोकन अनलॉक करे जाएंगे। मतलब कि सीधा सीधा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एलोकेशन की बेस पे जो है ना ये लोग एयर ड्रॉप हमारे को करेंगे। ये जो हम लोगों ने टोकन माइन करें, ये आपको 1:1 की बेस पर ही मिलेंगे, मगर ये टोकन आपको सारे नहीं मिलेंगे। अब मेरा जो है टेलीग्राफ का यहाँ पे दिखा रहा है 167, पार्टनर्स ऐप का मुझे दिखा रहा है 298। मतलब कि 300 ये हो गया और 150 ये हो गया, तो तकरीबन 450 टोकन जो है ना मुझे फेज़ 1 में मिल जाएंगे। मगर याद रहें कि कोई वेस्टिंग वगैरह नहीं है। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि आप लोग एक्सचेंजेस पर जो है ना हमारे रेफर से KYC करो, तो ही आपके जो है ना टोकन अनलॉक करे जाएंगे। OGC की ट्विटर का अकाउंट, टेलीग्राम का चैनल और तो और डिस्कॉर्ड में अगर आप लोगों ने रोल ना लिया हो, तो उसके जो है टोकन बर्न कर दिए जाएंगे। इन एक्टिविटी इन नवंबर योर टोकन विल ऑल्सो बी बर्न। मतलब कि नवंबर के मंथ में अगर आपने OGC पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने क्लेम नहीं करा, तो उसका भी जो है ना आपके टोकन बर्न कर दिए जाएंगे, तो आप लोग एलिजिबल नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद बैन इन अवर चैट रूम्स, अगर आप किसी भी चैट रूम से बैन हुए हो, या तो टेलीग्राम, या तो ट्विटर, या तो डिस्कॉर्ड, तो ही आपको जो है तो भी जो है आपको टोकन नहीं मिलेंगे। व्हाट इज़ नेक्स्ट, मतलब वी आर बैक टू कस्टमाइजिंग द लीडर बोर्ड रिवॉर्ड्स फॉर द पास्ट वीक। मतलब जो हम लोग OGC पॉइंट्स माइन कर रहे हैं 2 महीने से, तो वो उसकी बेस पर जो है ना हमारे को एयर ड्रॉप मिलेगा, और वो OGC पॉइंट जो है ना आपके OGC टोकन्स को रिफ्लेक्ट करेगा कि आप कितने लीडर बोर्ड पर आते हो। तो जो जितना ज़्यादा टॉप लीडर बोर्ड पर होगा, उसको उसी हिसाब से जो है ना OGC टोकन दिए जाएंगे। मतलब एक तरह से आसान अल्फाजों में, ये जो हम लोग OGC पॉइंट्स माइन कर रहे हैं, ये जो है ना आपके OGC बाद में या आपके OGC टोकन में भी कन्वर्ट होंगे, अगर आप लोगों ने जो है इस पहले वाले OGC टोकन को माइन करा है। अगर यहाँ पर आपके OGC टोकन 0 हैं और आप लोग ये पॉइंट्स माइन कर रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट की तरफ से। अब बात करते हैं सीलिया वालों के ऊपर। सीलिया वालों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑनगोइंग है। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो प्री सेल इन्वेस्टर हैं, मतलब जिन लोगों ने प्री सेल पर जो है हमारे सीलिया टोकन बाय करे हुए हैं, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। ये लोग बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने प्री सेल में हमारे साथ सरमायादारी लगाई थी, हम लोगों ने उनके वॉलेट एड्रेस पे जो है ना सीलिया टोकन सेंड कर दिए, और जो माइनिंग एंड एयर ड्रॉप्स, मतलब जो डेली बेसिस पे एक एक दिन पे माइनिंग करते थे हमारे टोकन, उनकी जो है ना आगे इन्होंने गोल गोल सा लोडिंग वाला बार बनाया। मतलब वहाँ पर भी जो है ना ये लोग TGE इवेंट, टोकन जनरेशन इवेंट, ये लोग वहाँ पर लोगों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो भी उन्होंने वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, सेपर वॉलेट, जो भी कोई वॉलेट लगाया हो, तो उनके जो है ना
डिस्ट्रीब्यूशन ऑन करेंगे उनके वॉलेट पर। अब ये लोग कहना चाह रहे हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन हायरार्की ऑफ सीलिया टोकन्स ऑल पेरी से इन्वेस्टर है फुली रिसीव देयर टोकन्स। ये तो हो गया, उनको सारे टोकन मिल गए। द टोकन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर माइनिंग एंड एयर ड्रॉप इज करंटली इन प्रोग्रेस एंड वी विल अनाउंस इट्स कंप्लीटिंग सून। अब इनका जो सून होता है ना, ये 3 से 4 दिन के अंदर सून होता है, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर जो है ना हमारा सारा काम हो जाएगा। ये वाला जो आर्टिकल जो लिखा है इन्होंने 3 दिसंबर को इन्होंने ये वाला आर्टिकल लिखा है, मतलब 6-7 को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो भी वॉलेट आप लोगों ने लगाया हो, ट्रस्ट वॉलेट, सेफ पर वॉलेट, तो आपके अकाउंट पर आ जाए। अब इसके बाद कहते हैं लॉन्च इज़ जस्ट अ फ्यू डेज अवे, मतलब कि 20 तारीख के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीलिया टोकन जो है अपने एक्सचेंजेस पर लॉन्च हो सकता है, मतलब किसी छोटे मोटे एक्सचेंजेस पे तो ये लॉन्च हो सकता है, क्योंकि सीलिया वाले खुद ही अपना एक्सचेंज बनाना जा रहे हैं और वहाँ से जो है ना ये लोग लोगों को टोकन डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, या किसी एक ना एक जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो गया, बिटगेट हो गया, बायबिट हो गया, किसी एक ना एक एक्सचेंज में ये लोग जो है लिस्टेड हो जाए। मगर जो मेन जो हब होगा वो इनका सीलिया टोकन अपना ओन एक्सचेंज ये लोग बनाना चाहते हैं, इसी के अंदर भी जो है ना ये लोग हमारे को एयर ड्रॉप कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, तो यहाँ पर जो है ना सीलिया टोकन मैंने आप लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के तहत मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग मैनेज क्रिप्टो में जाके अपना सीलिया टोकन जो है ना सिलेक्ट कर सकते हो, और पूरा स्टेप बाय स्टेप भी मैंने आप लोगों को बताया था। जब भी TGE इवेंट इनका होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग अभी कर रहे हैं ऑन गोइंग है, तो सीलिया टोकन हमारे यहाँ पे जो है शो हो जाएगा कि कितने सीलिया टोकन हमारे को मिले हैं। फिर उसके बाद डॉलर में भी आपको शो हो जाएगा कि कितने डॉलर तक के जो है कितने सीलिया टोकन बनते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की इस वीडियो। अगर आप लोग ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अगर आप लोग ये वीडियो Facebook देख रहे हो तो मेरा चैनल आदमी फॉलो कर लेना।